सिद्धू मूसेवाला के परिजन चंडीगढ़ में अमित शाह से मिले। भाजपा नेताओं ने दिया आश्वासन, बोले आपकी मांगे जल्द पूरी होंगी। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के परिजन आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। मूसेवाला के परिजन मुलाकात के लिए मानसा से चंडीगढ़ पहुंचे थे। बता दें कि 29 मई की शाम को मूसेवाला की मानसा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। सिद्धू मूसेवाला के परिजन न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज चंडीगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले। वहीं आज सिद्धू के परिजन अमित शाह से मुलाकात के लिए मानसा से चंडीगढ़ समय से पहुंच गए थे। चंडीगढ़ में मुलाकात कर उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उधर चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मूसेवाला के परिजन से बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी ने मुलाकात की। सोढ़ी ने कहा कि परिवार की अगर सीबीआई या एनआईए जांच की मांग है तो वह जरूर पूरी की जाएगी। बता दें कि फिलहाल मूसेवाला हत्याकांड की जांच पंजाब पुलिस की एसआईटी कर रही है। अमित शाह ने दोपहर करीब 3 बजे चंडीगढ़ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर पंजाब भाजपा के पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। अमित शाह शाम को पंचकुला में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान मूसेवाला के घर पहुंचे और सिंगर के पिता से उन्होंने मुलाकात भी की। आम आदमी पार्टी नेता गगनदीप धालीवाल ने बताया कि मूसेवाले के पिता ने गांव में स्टेडियम और कैंसर अस्पताल बनाने की मांग उठाई, जिसे सरकार ने मान लिया है। इसके साथ साथ मान ने माता पिता को मूसेवाले के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक गाड़ी से उतरे दोनों बदमाशों की पहचान हो गई है। इनमें से एक गड़ी सिसाना का कुख्यात बदमाश प्रियव्रत फौजी है, जबकि दूसरा अंकित सिरसा बताया गया है। हालांकि सोनीपत पुलिस इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं कर रही है। पुलिस ने दोनों शूटर की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। प्रियव्रत का नाम गैंगस्टर बिट्टू बरोड़ा के पिता की हत्या के मामले में आ चुका है। उसका नाम कुख्यात रामकरण बैयापुर के साथ भी जुड़ चुका है। वहीं अंकित पर राजस्थान में हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए देशित न्यूज़। धन्यवाद।